दोस्तों हमारे सामने खड़ी है दो पल्सर और दोनों ही पल्सर 125 है यानी 125 सीसी वाली पल्सर। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक पुराना मॉडल है और एक सबसे लेटेस्ट मॉडल अपडेटेड मॉडल है और दोनों ही मॉडल्स बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। जो पुराना वाला था वो तो ऑफकोर्स बहुत बिकता था, लेकिन लोगों की डिमांड थी कि इसमें डिजिटल मीटर कंसोल जैसी कोई चीज़ कंपनी दे देती, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देती, मतलब जो नए फीचर्स है ना वो अगर आ जाते तो बेहतर होता। तो अभी स्क्रीन पे दोनों ही मॉडल्स खड़े हैं। राइट साइड अगर आप देखेंगे तो नई वाली है, लेफ्ट साइड पुरानी वाली है। खैर यहाँ पर अगर आप फ्रंट प्रोफाइल अगर इनकी चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ग्राफिक में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। कार्बन फाइबर जैसा जो है इसमें कुछ टच कंपनी ने दिया है। खैर मेन हेडलाइट तो चेंज नहीं की है। यहाँ पर बहुत सारी होप थी कि शायद LED लाइट आ सकती है, बट अभी आपको हैलोजन बल्ब से ही काम चलाना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सस्पेंशन एकदम सेम है। यहाँ पर फ्रंट जो फेंडर है वो भी एकदम सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ पे आगे वाले डिस्क की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए डिस्क की साइज़ भी एकदम सेम कंपनी ने रखी है। क्वालिटी होती है कि भाई हर अपडेट में कंपनी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करती है बाइक में, जो कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लस कीमत में मैं बता दूं कि 1 से 1.5 हज़ार का फ़र्क है। खैर ये बड़ा अपडेट देख लीजिए, यहाँ पे नई वाली में आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए अब पोर्ट की सुविधा आ चुकी है, आप अपने चलती बाइक पे फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। पुरानी वाली में ये सिस्टम नहीं था। यहाँ पर जो है इसके मीटर कंसोल वाला जो सेक्शन है वहीं पर कंपनी ने इस चीज़ को ऐड कर दिया है। कीमत में 1 से 2 हज़ार रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अभी जो नई वाली है वो आपको 90 हज़ार रुपये एक्सोरूम प्राइस पे मिलेगी, यानी कि तकरीबन 1,05,000 से लेकर 1,10,000 में ये ऑन रोड आपको मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा चीज़, आपको मीटर कंसोल अब फुली डिजिटल हो चुका है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप टाइम, फ्यूल इंडिकेटर, इंजन मॉड फंक्शन लाइट, न्यूट्रल इंडिकेटर, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और साथ ही साथ आप ब्लूटूथ के माध्यम से अपने फ़ोन को इसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ये चॉइस थी। लेकिन मैं दूसरा सच ये भी कहना चाहता हूँ कि जो पल्सर फैंस है ना, उनके लिए पुराना वाला स्पीडोमीटर ही उनको बहुत अच्छा लगता था। उनको ऐसा लगता था कि इस वाले स्पीडोमीटर में सुई लगी हुई है तो उससे जो है अच्छा, मतलब उनको फील आता है कि भाई स्पीड में हम चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक एक्स्ट्रा जो है स्विच भी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। अब ये एक्स्ट्रा स्विच ऐड होने की वजह से जो हैंडल बार पे सारी चीज़ें लगी हैं जिनमें सारे स्विचेस हैं वो हल्के हल्के चेंज किए गए हैं। यहाँ पर देखिए पुरानी वाली का मीटर कंसोल जो कि सेमी डिजिटल आपको मिलता था, इसमें एक सुई वाला कांटा भी मिलता था प्लस एक डिजिटल कंसोल भी मिलता था। इन्फॉर्मेशन इसमें भी मिलती थी लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं मिलती थी। तो कुछ लोगों के लिए अच्छा है लेकिन कुछ लोगों के लिए ख़राब भी है। अब आप कमेंट में जाकर बताएं कि आपको ये अपडेट कैसा लग रहा है, क्या पुराना वाला डिजिटल मीटर कंसोल सही था या फिर नया वाला बढ़िया है। यहाँ पर देखिए ग्राफिक पे कंपनी ने थोड़ा सा काम किया है, ग्राफिक वगैरह चेंज किया है। जैसा कि आप पल्सर 150 में अगर देखेंगे तो आगे 150 लिखा हुआ आपको बड़े बड़े ग्राफिक में देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा बेहतर लगता है, अच्छा लग रहा है नो डाउट। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वही कलर का डिफरेंस है, अदरवाइज सारी चीज़ें आपको सेम ही मिल रही हैं। सीट वगैरह सारी चीज़ सेम है, 125 का स्टिकर दोनों में सेम मिलता है। ग्राफिक में हल्का हल्का कंपनी ने चेंज किया है और जो चेंज किया उसके हिसाब से कीमत बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाई है, ये मुझे थोड़ी सही चीज़ लगी। नहीं तो आजकल बाइक वाली कंपनियां यही चीज़ करती हैं कि एक नया नट बोल्ट भी लगा दें तो वो कीमत गच्चे से बढ़ा देती हैं, जो कि यहाँ पर लागू नहीं होता है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। यहाँ पर देखिए आप पुरानी और नई, अब आप बताइएगा जरूर कमेंट में कि आपको कौन सी वाली ज़्यादा बेहतर लग रही है। सीटिंग कंफर्ट दोनों का ही बेहतर है, अगर आप सिंगल राइड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डुअल राइड करते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पीछे डिस्क नहीं था पहले भी और आप भी डिस्क नहीं है, वही आपको पुराना वाला जो है ड्रम ब्रेक कंपनी लगा कर देती है। किक अभी भी इसमें जो है कंपनी ने हटाया नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। किक ना ही हटाएं तो ठीक है, अब ज़्यादातर कंपनियां किक हटा रही हैं क्योंकि FI सिस्टम पे सारा चीज़ वर्क हो चुका है, बट ठीक है मेरे हिसाब से सही है। तो चलिए अब आप बताइए कमेंट में जाकर कि दोनों में नई वाली सही है या फिर पुरानी वाली ज़्यादा सही थी। अब हम कल फिर से मिलेंगे एक नए कंपैरिजन के साथ, अपना ध्यान रखिएगा।